ये फोटो याद है कि भूल गए? अभी कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 मासूम छात्रों की मौत के बाद एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर पर बहस छिड़ गई है। इसलिए ये फोटो याद दिला रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस देश में खेल होता है। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट में जो छत गिरी थी उसको बनाया था GMR ग्रुप ने। उसी ग्रुप ने गोवा में भी एक एयरपोर्ट बनवाया है, मोपा एयरपोर्ट। जब गोवा में एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो इस कंपनी ने गोवा सरकार को कमाई का 36.99% देने की बात की थी। फिर 5 जनवरी 2023 से एयरपोर्ट चालू हुआ। 15,000 से ज्यादा लोग रोजाना आने जाने भी लगे। साल भर में 500 करोड़ के आसपास कमाई होगी, ये भी मालूम चल गया। अब 31 मई 2024 से एयरपोर्ट को कमाई का 36.99% हिस्सा गोवा सरकार को देना था, लेकिन एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया यहाँ पर गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कंपनी से रेवेन्यू 6 महीने बाद से लेगी, 7 दिसंबर 2024 से, मतलब 6 महीने की छूट दे दी कंपनी को। इस बीच जो भी कमाई होगी वो पूरे का पूरा कंपनी के जेब में जाएगा, सरकार को वो नहीं चाहिए। मतलब 200 करोड़ से भी ज्यादा का गोवा सरकारी खजाने को नुकसान। सीएम साहब ने कहा कि कोरोना की वजह से लेट चालू हुआ था एयरपोर्ट, इसलिए छूट दी। मगर कोरोना तो सबके लिए था, फिर अकेले GMR ग्रुप पर ये मेहरबानी क्यों? साफ है कि यहाँ पर खेल किया गया, वो भी न खाऊंगा न खाने दूंगा का राग अलापने वाले मोदी जी की नाक के नीचे। इस इशू पर गोवा असेंबली में भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब ऐसे देश में जहाँ सीधे सीएम पर पैसा खाने का आरोप हो, वहां पर मुझे लगता है कि ऐसी फोटोज देखने की आम जनता को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जान का सौदा तो बहुत पहले ही हो चुका होता है।